अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू टीच लेक्चर नंबर 24 ऑफ उर्दू बुक फ्रॉम पेज नंबर 109। दिन जुमेरात, लेक्चर नंबर 24, तारीख 7 जनवरी। दी की अबारत पढ़िए और तस्वीर के मुताबिक रंगों के नाम लिखें। अब ये जो अबारत हमने रीड करनी है, इसमें हमने सब्जियों के उनके रंग, सब्जियाँ जिस रंग की उनके रंगों के मुताबिक हमने नाम लिखने हैं। एक दिन सफ़ेद गोभी ने सब्जियों को दावत पर बुलाया। डैश टमाटर बोला, देखो मैं कितना चमक रहा हूँ। टमाटर अब सुरख है तो इधर हम लिखेंगे सुरख। सीन रे खे सुरख। डैश बिंडी चलती हुई आई और कहने लगी, मैं तो पतली सी हूँ और मेरे सर पर टोपी है। अब बिंडी सब्ज रंग की है, इधर हम सब्ज लिखेंगे सीन बेजे सब्ज। सब्ज बिंडी चलती हुई आई और कहने लगी, मैं तो पतली सी हूँ और मेरे सर पर टोपी है। डैश लीमू बोला, मैं तो रस से भरा हुआ हूँ। अब लीमू पीले रंग है, इधर हम पीला लिखेंगे पे ये लाम अलिफ ला पीला। डैश बैंगन बोला, मेरा सबस ताज भी बहुत खूबसूरत है। अब बैंगन किस रंग का है? जामनी रंग का, इधर हम जामनी लिखेंगे जीम अलिफ जा मीम नून छोटी नी जामनी। आखिर में सब सब्जियां अपनी डैश कुर्सियों पर बैठ गईं। अब कुर्सी है नीली, इधर हम लिखेंगे नून ये नाम छोटी ली नीली। आखिर में सब सब्जियां अपनी नीली कुर्सियों पर बैठ गईं। उसके बाद क्वेश्चन है, दी गई तस्वीर में दुरुस्त रंग भरिए। अब लीमू किस कलर का है? ये पीला, तो हम लीमू में पीला कलर करेंगे। उसके बाद है भिंडी। भिंडी किस रंग की होती है? सब्ज। ऊपर हमने सब्ज लिखा है ना, तो इसमें हमने सब्ज कलर करना है। टमाटर, टमाटर किस रंग का है? सुरख। लीमू येलो होता है और इसके जो लीव्स होते हैं वो सब्ज होते हैं। भिंडी सब्ज रंग की होती है। टमाटर रेड होता है और इसका जो ताज होता है वो सब्ज होता है।